मैं हूँ अभी फूजो रेलवे स्टेशन और आज मैं जा रही हूँ फूजो से हांगकांग। मेरा वहाँ पे 2 दिन का ट्रिप है और उसके बाद मैं जाऊँगी हांगकांग से इंडिया। और इतने दिन बाहर रही हूँ, बाहर घूमू सारा चाइना में, फिर मकाओ, फिर उसके बाद फिर से चाइना, और उसके बाद फाइनली अब मैं हांगकांग जा रही हूँ। और हांगकांग के बाद मेरा अपना देश इंडिया में जाऊँगी। तो चलो अभी मैं हूँ फूजो के रेलवे स्टेशन में, ये है रेलवे स्टेशन। मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट, हांगकांग एयरपोर्ट। मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले ऑक्टोपस कार्ड लिया, जो यहाँ का मेट्रो कार्ड होता है, उसको हम शॉपिंग वगैरह के लिए और एयरपोर्ट जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिए एक टूरिस्ट सिम कार्ड, जो यहाँ पे 5 दिन के लिए मुझे 3G डाटा देगी। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मेरे प्लान है अभी मैं जा रही हूँ ऑस्टिन स्टेशन की तरफ, जहाँ से मैं अपना ऑक्टोपस कार्ड यूज़ करके अपने होटल जाऊँगी। मेरे होटल का नाम है होटल स्काई सिटी, वो जस्ट इससे नेक्स्ट स्टेशन है, TST बोलते हैं उसको। यहाँ का काफ़ी फेमस जगह है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे मैंने सुना कुछ ख़राब है, प्रोटेस्ट चल रहा है। बाकी देखते हैं पहुँच के कैसे क्या होता है। होपफुली मैं अच्छे से अपना ट्रिप एंजॉय कर सकूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ हांगकांग में। हांगकांग में मेरा होटल है, होटल स्काई सिटी करके, और मतलब छोटा सा रूम है, एक सिंगल पर्सन के लिए एक सिंगल बेड का रूम ठीक है। मतलब मैंने इंडिया से बुकिंग की थी तो 2 नाइट्स के लिए 4000 का मुझे ये मिला था, तो बहुत अच्छी डील है। वैसे देखा जाए तो 4000 में हांगकांग जैसे, मतलब हांगकांग जैसी कंट्री में एक रूम आपको मिल रहा है 2 दिन के लिए, तो बहुत अच्छा है। छोटा सा एक सिंगल पर्सन के लिए आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक बेड, इसके अंदर बाथरूम है, मतलब आप एक सोलो ट्रैवलर हैं और स्टे से ज़्यादा आपको घूमना पसंद है। वैसे ये स्टे भी बहुत अच्छा है, मतलब 4000 रुपये में आपको हांगकांग में 2 रातें मिल रही है, 2 दिन मिल रहे हैं, उसके अलावा और क्या चाहिए। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और अब मैं तैयार हूँ घूमने के लिए। तो मैं देखती हूँ। और हाँ, जैसे कि मैं एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर आपको बता रही थी कि कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर आके पता किया है, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो सोलो ट्रैवलर्स आप घूम सकते हो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ हांगकांग प्रोटेस्ट, ओके।
आओ घूमो। और हाँ, जिसका ये होटल है वो इंडियंस हैं, पंजाबी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस होटल में स्टे कर रही हूँ। तो आप भी कभी होंगकोंग आते हैं, सिंगल सोलो ट्रैवलर हैं, और अगर लड़की हैं तो आप इस होटल में आ सकते हो। इंडियन फैमिली जैसा अपनापन लगेगा, ठीक है, सेफ्टी पूरी है, कोई इशू नहीं है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलती हूँ नीचे, और देखते हैं कि क्या प्लान बनता है आगे घूमने का, फिर आपको आपको दिखाते रहूँगी। ओके, ये है ब्लू रूट जिसपे मैं अभी जाने वाली हूँ, कोलून का ब्लू रूट, जिसके अंदर मैं नाइट टूर लेने वाली हूँ। एक बिग बस की टिकट लो, ओपन बस में बैठो, अपना कैमरा ऑन करो, यहाँ पे लेट लगाओ।
यहाँ पर जितनी भी बस मैंने देखी है ज़्यादातर डबल डेकर बस चलती है। नंबर 30 पे है टेंपल स्ट्रीट, जहाँ पर नाइट मार्केट लगती है, जेट मार्केट लगती है, और ये मार्केट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर इस रिकॉर्ड में नहीं उतर रही हूँ क्योंकि ये है नाइट। यहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा है यहाँ से उसमें बहुत सारे फॉरनर्स हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, और अभी यहाँ पे काम करते हैं, घूमने भी आए हैं बहुत से लोग, यहाँ पर काम भी करते हैं। इवन मैं जिस होटल में रुकी हूँ वो खुद पंजाबियों का होटल है। और अभी पीछे मैंने एक दिखाया था, कोई बोर्ड दिखाया था, उनसे टेलर की शॉप का बोर्ड था और उसके नीचे ट्रैवल्स का भी कुछ लिखा था, तो ट्रैवल्स हिंदी में भी लिखा गया था ट्रैवल्स, तो कोई बात नहीं, पर अच्छा लगा। करके बैठी हूँ, और जैसे ही वो लाइट से स्टार्ट होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग होगी।
प्लाजा को दिखा था और ये नज़ारा बहुत सुंदर है। बहुत इतना सुना था कि हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे आगे खुले सुकून मिल रहे हैं, इतनी अच्छी ठंडी हवा है, अकेले सोलो ट्रैवलिंग, पर हाँ ऐसा भी लग रहा है कि कोई साथ में होता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन अकेले भी मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और हाँ, और इंडियन गर्ल्स में बता दूँ सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और बहुत महंगा बोल रहे थे, तो मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मैं चाइना से भी कुछ शॉपिंग कर चुकी हूँ और सारा माल चाइना का ही था, सेम था, तो अभी बस घूम रही हूँ यहाँ अकेले, रात को वॉक कर रही हूँ और मुझे भूख लगी है। अब मुझे ढूंढना है एक अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट जो ज़्यादा महंगा भी ना हो, ठीक ठीक और फिर मैं चलती अपने होटल में रेस्ट। तो ये है मेरा प्योर वेजिटेरियन फूड मसाला डोसा, और आपको भी हांगकांग में आना है और आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ सरवाना में आ सकते हैं। ये है चुंग किंग मैंशन, ये पूरा इंडियन स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। चुंग किंग मैंशन, इसमें थर्ड फ्लोर पर
सरवाना इंडियन रेस्टोरेंट है, ये बहुत प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। ये हमारी पंजाबन आंटी। पूरा फुल टेस्ट आया आज, इतने दिनों बाद मैंने डोसा खाया है, वरना जब से मैं चाइना में आई हूँ मैं इंडियन टेस्ट भूल गई हूँ। ओके बाय। तो फाइनली सुबह निकली मैं चाइना से, फिर मैं आई हांगकांग, और ओह गॉड मैं अभी फिलहाल इतनी थकी हुई हूँ कि मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। आके मैंने फिर ये होटल लिया। सबसे पहले तो मुझे रेलवे स्टेशन पर उस लड़की ने ही डरा दिया जिससे मैंने सिम कार्ड लिया था। उसने ऐसे मुझसे कहा कि प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसे है ऐसे है, फॉरनर्स 5-6 फॉरनर्स पर अटैक हो चुका है, ये वो। तो मैं काफ़ी डर गई थी उस टाइम पे कि यार मैंने सब कुछ बुक कर लिया है, 2 दिन के लिए मुझे यहाँ पर रहना है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि TST सिंग सुई ये जिस एरिया में मेरा होटल बुक है, ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं आप फॉरेन में हो। हालांकि ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इसलिए है क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं आप फॉरेन में, तो फिर फॉरेन में आने का फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी बाहर निकल के घर जैसा माहौल मिलेगा तो बहुत अच्छा है। एंड सेकेंड थिंग, बहुत अच्छी जगह पर है ये होटल। और जैसे कि मैंने बताया मैं सिंगल पर्सन हूँ, सोलो ट्रैवलर है, तो उसके लिए मुझे रूम भी ठीक ही मिल गया, सस्ता मिल गया 4,000 में हांगकांग जैसे शहर में, ठीक है। प्लस उसके बाद मैंने बिग बस लिया, मैं गई 580 HKD की, मुझे 2 दिन के लिए बिग बस की टिकट मिली है। तो आज इवनिंग में मैंने वहाँ पे इवनिंग टूर लिया है ब्लू रूट का, ब्लू लाइन। कल मैं 2 रूट लेने वाली हूँ, रेड और ग्रीन। प्लस मैं ब्लू फिर से ले सकती हूँ क्योंकि मैं ये राइड्स कितनी बार भी लूँ ये अनलिमिटेड है, चाहे मैं पूरा दिन बस में बैठ के घूमती रहूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इनकेस अगर आप भी आते हो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसी बिल्डिंग में जहाँ पे मेरा होटल है, इसी बिल्डिंग में मुझे सेकेंड फ्लोर पर वो मिल गया था, इंडियन रेस्टोरेंट सरवाना। बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन खाना था, मैंने आपको दिखाया, मैंने डोसा खाया था। और अभी मैं इसी फ्लोर, इसी होटल में, इसी बिल्डिंग में, 13th फ्लोर पे मेरा होटल है, मैं आ गई हूँ। और मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं सो रही हूँ। और अब जब मैं कल सुबह उठूँगी और कल मैं जब घूमने जाऊँगी तब बात करते हैं, तब आपको दिखाती हूँ रेड और ग्रीन टूर, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, ओके बाय।